इस गांव में शिवभक्त की जान बचाने जब स्वयं प्रकट हुए शेषनाग। दोस्तों, इस सच्ची वीडियो को दिखाने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महादेव शिव की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए उसका खुद मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार में रहने वाले रामप्रसाद जी के साथ देखने को मिला। रामप्रसाद जी बिहार के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका ये रोज का नियम है कि सबसे पहले वे सुबह स्नान कर शिव पूजा कर उसके बाद ही वे अपने कोई अन्य कार्य को करने बैठते हैं। अक्सर रामप्रसाद जी महादेव शिव की भक्ति में खो जाया करते। रामप्रसाद जी बताते हैं कि उनके गाँव में विशेषकर नाग देवता की पूजा बहुत प्रचलित है। हर जगह यहाँ आसानी से नाग देवता के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। खासकर शिवरात्रि पर शिव पूजा के साथ नाग देवता की पूजा यहाँ पे जरूर होती है। रामप्रसाद जी को अपने काम के लिए अक्सर शहर जाना पड़ता है। एक बार शिवरात्रि के समय उनके गांव में एक बड़ी पूजा रखी गई और उस पूजा में शामिल होने के लिए वह शहर से वापस आए थे। रास्ते में जब रामप्रसाद जी अपने घर की तरफ जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बैल का झुंड जिसमें अफरा तफरी मची हुई थी वो रामप्रसाद की तरफ ही तेज़ी से बढ़ रहे थे। रामप्रसाद जी अपनी तरफ तेज़ी से बढ़ते बैलों के उन झुंड को देखकर डर गए और भागने लगे और प्रभु शिव को याद करते हुए अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। रामप्रसाद जी बताते हैं कि जब मैं उन बैलों से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था कि तभी मेरा एक पैर अचानक पत्थर से जा टकराया और तेज़ी से मैं ज़मीन पर गिर गया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उन बैलों का झुंड मेरे बिल्कुल करीब था। अब तो मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय नज़दीक है और मैंने अपनी दोनों आँखें बंद कर हर हर महादेव के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। तभी एक बहुत भयंकर सिसकारे मारने की आवाज़ मेरे कानों पर आई। जब मैंने आँख खोल के देखा तो एक बहुत ही बड़ा विशाल नाग कुंडली मार बैठा और सिसकारे मार उन बैलों को डरा रहा था। उस नाग को देख उन बैलों का झुंड रुक गया और वापस उल्टा लौट गया। रामप्रसाद ये सब देख जान गए थे कि यह चमत्कार महादेव शिव का है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। रामप्रसाद जी घर पहुँच सबसे पहले उन्होंने घर के मंदिर में बैठ भगवान शिव को धन्यवाद किया। उसके बाद वे नाग देवता के मंदिर भी गए तथा वहाँ उन्होंने नागदेव को दूध अर्पित किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है रामप्रसाद की जान किसने बचाई, स्वयं महादेव या फिर एक साधारण नाग? हमें कमेंट में जरूर बताना।